सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए, आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते? अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तो मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1,000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3,000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15 हज़ार रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है? दमाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दमाद जी, एक कवर खाएं फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे, मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दमाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दमाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दमाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हूँ केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी? अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। ओ भैया फ्रिज का है आलू, बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो, अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया, कहीं एडजस्ट कहिला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले, जो उन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है, नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जात है, यही मारे फ्रिज में रख दिया जात है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, एमे कौन सा चींटी लग जात है, जोन एक फ्रिज में धई दिया जात है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाता है, यही मारे फ्रिज में धई दिया जात है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नर्सों का चावल सब भरा पड़ा है, और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना, तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें, खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया, अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। का हो भांजे, आज स्कूल में का सीखा? मामा आज हम कविता सीखे। तनी हमके भी सुनावा कविता। ठीक है मामा, सुनावत थी। दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती, दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती, मामा तोके का बताई मामी की लेगवा हाथी।